नमस्ते, मेरा नाम आशीष दीक्षित है और आप इस वक्त इंडिया न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं। जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, और जो अपना भूत हार जाए उसे रघुराज कहते हैं। ये बात अखिलेश यादव के सामने समाजवादी पार्टी के समर्थक ने कही है। और क्यों कही है? वो इसलिए कही है क्योंकि वो जो बीजेपी का कैंडिडेट मैनपुरी उपचुनाव में थे रघुराज शाक्य, उन पर तंज कसने के लिए कही है। क्योंकि डिंपल यादव के सामने रघुराज शाक्य जो धौलपुर गांव था, उनका खुद का गांव, वहां से वो बूथ हार गए। कम वोट उनको मिले, बेहद ही कम वोट मिले, और डिंपल यादव ने एक रिकॉर्ड जीत दर्ज की है। करीब करीब 288,000 से भी ज़्यादा वोटों से डिंपल यादव ने रघुराज शाक्य, जो खुद को मुलायम सिंह यादव का चेला बताते थे, शिवपाल सिंह यादव का चेला बताते थे, और उनकी पार्टी प्रसपा में गए थे, उसके बाद वहां से वो बीजेपी में गए, और वहां के बाद जब ये मैनपुरी का उपचुनाव हुआ तो वो डिंपल के सामने चुनाव मैदान में आ गए। दावे बहुत बड़े बड़े थे, लेकिन जनता ने डिंपल यादव को लोकसभा भेजने का फैसला कर लिया है। 288,000 वोट करीब करीब कितना होता है? डिंपल यादव को करीब करीब 6,00,000 से भी ज़्यादा वोट मिले, और 3-3.25 लाख के आसपास वोट मिले हैं रघुराज शाक्य को। मैं आंकड़ा आपको दिखाता हूँ कि क्या फाइनल आंकड़ा रहा। करीब करीब 64% वोट डिंपल यादव को मिले हैं और 34% वोट जो है रघुराज शाक्य को मिले, बीजेपी को मिले। इसका मतलब साफ सी बात है कि जो भावनात्मक जो अटैचमेंट था मुलायम सिंह यादव की तरफ समाजवादी पार्टी के समर्थकों का, कि अब वो इस दुनिया में नहीं है, तो एक अटैचमेंट हो जाता है कि इस सीट से हमें समाजवादी पार्टी, जो सालों से वो चुनाव लड़ते रहे, जीतते रहे, और अटैचमेंट था कि भाई इस सीट से समाजवादी पार्टी, उनकी बहू डिंपल यादव चुनाव लड़ रही थी तो उनको जिताना है। अब बीजेपी के कैंडिडेट की बहुत बुरी तरीके से हार हो चुकी है और लगातार समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव इस बीच अपने कार्यकर्ताओं से लगातार ये कह रहे हैं कि ये बात अभी पूरी नहीं हुई है, तैयार रहना है 2024 के चुनाव में। और डिंपल यादव भी यही बात दोहरा रही हैं और धन्यवाद कह रही हैं पार्टी कार्यकर्ताओं को, जिन्होंने, जिनकी वजह से वो आज लोकसभा का ये चुनाव जीत सकी हैं। समाजवादी पार्टी भी अपने, माफ कीजिएगा, अखिलेश यादव भी अपने कार्यकर्ताओं को लगातार थैंक यू बोल रहे हैं। आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये जीत मैनपुरी के मतदाताओं की जीत है। ये जीत जहां मैनपुरी के मतदाताओं की जीत है, वही नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि देने का भी काम मतदाताओं ने किया है। ये जीत नकारात्मक राजनीति करने वालों के सामने कर रहे तुम्हें यार। खिलाफ मतदाताओं ने मतदान किया है। ये मैनपुरी की जनता का मैं धन्यवाद देता हूं, जो मेल झोल की राजनीति को उन्होंने समर्थन किया है। मैनपुरी की जनता ने नकारात्मक राजनीति करने वालों को पीछे छोड़ने का काम किया है। लेकिन इस बीच जो सवाल है ईवीएम पर, या फिर जो रामपुर की सीट समाजवादी पार्टी चुनाव हारी है, वो लगातार सवाल कस रही है कि उनके जो वोटर हैं, समाजवादी पार्टी के जो वोटर हैं, उनको निकलने ही नहीं दिया गया वोट डालने के लिए रामपुर में। यही वजह रही, ये समाजवादी पार्टी का दावा है, यही वजह रही कि वहाँ पर जो आसिम रजा थे आजम खान के खासम खास, वो चुनाव हार गए, अचानक चुनाव हार गए। लगातार वो आगे बने हुए थे और आखिरी के कुछ फेज में ऐसा मोड़ आया कि वो पिछड़ते चले गए। जो खतौली सीट थी वहाँ पर भी समाजवादी पार्टी की जीत हुई है। तो ये लगातार ही मैसेज जा रहा है कि समाजवादी पार्टी जो इन चुनाव में जीती है वो सेमीफाइनल मान रही है, अगर हम जीत गए हैं और 2024 में बीजेपी को कड़ी टक्कर देंगे। आप हमें कमेंट बॉक्स पर लिख के बता सकते हैं कि इन चुनावों के मायने क्या हैं।